फ्लैश मूवी फाइनली थिएटर में रिलीज हो गई है और डीसी ने हमें जस्टिस लीग स्नाइडर कट के बाद एक प्रॉपर सुपर हीरो मूवी दी है अपने सेंट्रल सिटी के इकलौते सुपर हीरो फ्लैश की। यह मूवी जब तुम देखकर उठोगे तो तुम्हें लगेगा कि यस आई हैव वॉच्ड अ फ्लैश मूवी, नॉट अ बैटमैन विद साइडकिक फ्लैश मूवी। और यस तुम्हें पता है कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो लोगों में सबसे पॉपुलर ओपिनियन ये थी कि ये एक बैटमैन मूवी होगी जिसमें फ्लैश होने वाला है। बट मूवी को देखने के बाद मैं तुमसे ये कह सकता हूँ इट्स अ फ्लैश मूवी विद द कैमियोज ऑफ बैटमैन। लेकिन यार ये कैमियोज का क्या चक्कर है, नो वे होम से स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। एनीवे, जैसा कि तुम्हें पता है कि बैटमैन के पेरेंट्स जब बचपन में मर जाते हैं उसके बाद ही वो फ्यूचर में बैटमैन बनता है, और ऐसे ही बैरी की जब मदर मरती है तो वो फ्लैश बनता है फ्यूचर में जाके, क्योंकि उसे अपने फादर की इनोसेंस को प्रूव करना होता है, यानी योर ट्रेजेडी डिफाइंस हु यू आर। इसी एसेंस को लेकर ये मूवी चलती है और अपनी थीम को बिल्कुल पकड़ कर रखती है, जिसकी वजह से ये मूवी बहुत ही अच्छी ड्रामा मूवी भी और एट द सेम टाइम एक सुपर हीरो मूवी फील होती है। विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, इस मूवी का प्लॉट वही है जो तुम्हें ट्रेलर में दिखाया गया था, जिसमें बैरी पास्ट में जाता है अपनी मदर को बचाने के लिए, जिसकी वजह से वो बहुत सारी टाइमलाइन डिसरप्ट कर देता है। और जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि जब भी कोई सुपर हीरो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है और चीजों को चेंज करने की कोशिश करता है, वो चीजें आज तक सही नहीं गई हैं। अब बात करते हैं इस पूरी मूवी की जान की, जो है इसका एक्शन और VFX। इस मूवी का एक्शन और VFX इसकी स्टोरी को एक अनदर लेवल पे ले जाता है। क्योंकि ये मूवी मैंने IMAX में देखी थी तो इसका मजा और दुगना हो जाता है, क्योंकि इसके एक्शन को बहुत ही अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है। एट द सेम टाइम इसका जो VFX है वो बहुत ही रियल और बहुत ही खूबसूरत लगता है। स्पेशली इस मूवी में एक सीन है जिसमें बैरी टाइम ट्रेवल कर रहा है और वो एक टाइम रैप में होता है। उस टाइम इस मूवी का VFX इतना ज्यादा अच्छा होता है कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि तुम एक साथ कितनी ज्यादा चीजें देख रहे हो। वैसे तुम्हें यह बात पता होगी कि एज्रा मिलर जो इस मूवी के लीड एक्टर हैं, वो इस मूवी से पहले कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में थे, और इतनी कंट्रोवर्सीज में थे कि बात इस हद तक आ गई थी कि शायद उन्हें रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन फाइनली ही केम बैक टू द मूवी एंड आई एम ग्लैड ही डिड इट, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस इस मूवी में इतनी ज्यादा अच्छी है कि लगता है कि वो इस रोल के लिए ही बने थे। इस मूवी को तुम सही मायनों में फ्लैश ओरिजिन मूवी भी बोल सकते हो, क्योंकि इस मूवी में पहली बार दिखाया गया है कि फ्लैश को अपनी पावर्स मिली कैसे, और यही बात DC को एक प्रॉपर बूस्ट देती है, क्योंकि इट्स अ ऑलमोस्ट परफेक्ट मूवी जिसको तुम थिएटर में जाकर जरूर देख सकते हो। और इसी के साथ साथ इस मूवी को देखने के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसा कि इसमें बहुत सारे ईस्टर एग्स हैं और बहुत सी चीजें हैं जो मैं तुम्हारे लिए स्पॉइल नहीं करना चाहता।